मायसेल्फ कमल सिंह, सीएलसी मैथ्स फैकल्टी। तो डीसीएम के पेपर नंबर 12 का सॉल्यूशन देखें, जिसका टॉपिक है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड एसओटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ट्राइंगल एबीसी लेट एंगल सी इज पाई बाई टू, इफ आर इज द इन रेडियस एंड कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, एंगल सी के आपके पास में 90 डिग्री है, सो दिस इज सी ए बी। तो ये सी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा आपके पास में, 2R के। अगर अपने इसका देखो सर्कम सर्कल बनाए, सो उस डायमीटर विल बी इक्वल टू 2R विल बी इक्वल टू सी। एंड यू नो स्मॉल आर इज इक्वल टू वी हैव एस माइनस सी इन टू टेन सी बाई टू, ये रिलेशन फॉर द स्मॉल आर, सो इन रेडियस के लिए। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या रखोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस सी, सो टेन पाई बाई फोर, सो टेन पाई बाई फोर वी हैव वन, सो वट इज आर, आर वी हैव इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू टू आर, सो वट इज द टू आर कैपिटल प्लस कैपिटल टू आर, सो दिस वी हैव ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी के इक्वल आ गया। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी टू ए सी साइन ए माइनस बी बी प्लस सी अपॉन टू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, टू ए सी साइन ए माइनस बी प्लस सी अपॉन टू, सो दिस वी हैव टू ए सी साइन ए प्लस सी, यू नो द पाई माइनस बी अपॉन टू, सो दिस वी हैव टू ए सी साइन तो पाई बाई टू माइनस बी, ऐसा हो गया। सो दिस विल बी कॉस बी, टू ए सी कॉस बी, तो पुट द वैल्यू ऑफ कॉस बी, सो कॉस बी वी हैव टू ए सी कॉस बी वी हैव इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव सेकेंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखें, सो थर्ड क्वेश्चन, सो थर्ड क्वेश्चन में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज पाई बाई टू, बी इज इक्वल टू फोर एंड सी इज इक्वल टू थ्री, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, सो एंगल बी ए हैव 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री, दिस वी हैव बी एंड सी, सो बी इज इक्वल टू वी हैव फोर एंड सी इज इक्वल टू थ्री, सो दिस विल बी फाइव, ओके। सो हाफ ऑफ दिस बी सी विल गिव द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, सो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू फाइव बाई टू, ओके। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन हाफ ऑफ द पैरीमीटर, सो एरिया दिस वी हैव सिक्स एंड दिस इज सिक्स, दिस आर इज इक्वल टू वन, सो वट विल द रेशियो ऑफ दिस टू, सो दैट इज फाइव अपॉन टू, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में देखो, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ए माइनस बी ए प्लस बी, हेयर बी आर गिवन द ए इज ग्रेटर देन बी, सो नो साइड ऑफ द ट्राइंगल इज नेगेटिव, सो देन लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, सो विच वन इज द लार्जेस्ट वन, दिस साइड इज लार्जेस्ट वन, ये साइड आपकी क्या सबसे बड़ी है, तो एंगल अपोजिट टू इट विल बी द ग्रेटेस्ट वन, सो सिंपली यू हैव टू सपोज द एंगल अपोजिट टू दिस वी हैव ए, तो इस तरीके से आपके पास में क्या आएगा, कॉस ए, कॉस ए विल बी इक्वल टू वी हैव ए माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर ऑफ दिस साइड, सो ओके अपॉन ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये आएगा इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो कॉस ए इक्वल टू वी हैव ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, एंड दिस वी हैव माइनस थ्री ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इस फॉर्म में आया।
यहाँ पे देखो आपके पास में कुछ कैंसिल हो रहा है, सो 2ab कैंसिल एंड बी स्क्वायर कैंसिल, ओके, सो हियर भी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वन अपॉन टू, सो कॉस ए इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, सो ए इज इक्वल टू भी है 2π/3, सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल, सो ग्रेटेस्ट एंगल आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे 2π/3, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5a 5,0 एंड बी 5,12 एंड सी 0,12, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज, सो यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, देखो आपके पास में ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल है, जैसे सपोज करो पी क्यू आर, इसके मिड पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आर गिवन टू यू, सो सपोज दिस इज ए 5,0 एंड दिस वी हैव बी 5,12 एंड सी वी हैव 0,12, सो यू कैन फाइंड आउट द नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ दिस ट्रायंगल, सो व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, सो हेयर वी हैव टू 10 सम ऑफ दीज टू माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अपोजिट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अपोजिट पॉइंट अपोजिट टू द वर्टेक्स सी P, sorry, vertex P के, तो इसमें क्या आएगा आपके पास में, दिस विल बी हेयर 10 एंड अगेन सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट पॉइंट C, सो दिस विल गिव द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो ये आपके पास में 12, ये 0 हो गया, ओके, तो सिमिलरली हाउ कैन वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, सो सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड C माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो दैट विल बी 0 एंड 12 माइनस 12 दिस इज 0 एंड सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आर, आर के आपके पास में कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5 माइनस 5, दिस इज 0 एंड 24 माइनस, सो दिस इज 0,24, नाउ इफ यू फर्दर लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, सो व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेज ऑफ द ट्रायंगल, तो आपके पास में एक तो क्या 0 ऐसे वर्सेज हो गए ट्राइंगल के, ठीक है, तो 0,24 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज ओरिजिन, एक्चुअल में ये आपके पास में उस ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जो ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, सो दिस इज द योर ट्राइंगल हुज मिड पॉइंट्स ऑफ द हुज साइड्स आर गिवन टू यू, दीज आर, तो आपके पास में दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दिस इज क्यू एंड दिस बी है पी, दिस इज आर, सो यू नो इन राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल वेयर 90 डिग्री, सो द वर्टेक्स वेयर द एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या हुआ आपके पास में, ऑर्थो सेंटर भी है 0,0, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्सेज आर, वर्सेज ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन टू यू वेयर टी इज ए पैरामीटर, तो सिंपली आपको क्या है लेट कर लेते हैं, लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल बी एच कोमा के, सो व्हाट विल द एच, एच विल बी हेयर ए कॉस टी प्लस बी साइन टी प्लस 1/3, तो अपने को एक्चुअल में क्या है इसमें पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, सो दिस विल बी 3h-1 इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, इस फॉर्म में आ रहा है, ओके, तो सिमिलरली अपने पास में व्हाट विल द वाई कोऑर्डिनेट के इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी प्लस 0/3, सो दिस विल बी 3k,
एंड ए साइन टी माइनस बी कोस टी, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वेयरिंग और एडिंग करो. इफ यू स्क्वेयरिंग एंड एडिंग यू विल गेट हियर द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल. तो क्या आएगा आपके पास में, 3h माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 3k होल स्क्वेयर. सो दैट विल बी हियर किसके कुल आएगा राइट हैंड साइड में, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. सो लोकस क्या हुआ, व्हाट इज द लोकस, 3x माइनस 1 होल स्क्वेयर एंड 3y होल स्क्वेयर, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सो वी हैव सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्फा बीटा बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, उसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 4 माइनस 2 माइनस 2 4 एंड 5 5. सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस 2 अल्फा प्लस 10 बीटा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको ना. तो देखो सिंपली पहले आप डायग्राम बना लो ऐसे. तो इसमें देखो ए क्या आपके पास है 4 माइनस 2 एंड बी माइनस 2 4 एंड सी वी है 5 5. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके पास में. तो पहले हमने इनकी साइड्स की लेंथ निकालने, सो दिस विल बी हेयर वी है 36 36 दिस इज, तो 72 हो जाएगा आपके पास में, तो 6 बार आ जाएगा 6 रूट 2. ए बी विल बी हेयर, सो व्हाट विल द बी सी, सो दिस विल बी हैव 49 एंड 1 50, सो दिस इज 5 रूट 2. ओके, सो सिमिलरली वी कैन, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 5 रूट 2. सो इन दिस वे वी हैव फाउंड ऑल द साइड्स ऑफ दिस. नाउ यू कैन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. तो आपके पास में यहाँ पे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास में, ए एक्स वन, सो ए एक्स वन 20 रूट 2 प्लस बी एक्स टू दैट इज माइनस 10 रूट 2, सो यर वी आर 30 रूट 2 अपॉन सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सो दिस वी हैव 10 16 16 रूट 2. सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स, सो यर माइनस 10 माइनस रूट 2 एंड वी हैव 30 रूट 2, हियर वी हैव 20 रूट 2 अपॉन सी वी हैव 6 16 रूट 2. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 50 ये कितना हो गया आपके पास में 40, सो वी हैव 50 दिस इज 40 अपॉन 16 इन दिस वे. तो सिमिलरली हियर वी अगेन 40 अपॉन 16, सो व्हाट विल द आई, तो सो दिस इज 5 अपॉन 2 एंड कॉमा 5 अपॉन 2. सो इन सेंटर वी हैव हियर ऑफ द ट्राइंगल दैट इज 5 अपॉन 2 5 अपॉन 2, पुट हियर वैल्यू, सो दिस इज 5 एंड 25, सो इधर देखो 30 आएगा, सो यू विल हैव 2 अल्फा प्लस 10 बीटा दैट इज 30. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव सेकंड ऑप्शन. तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट पी सच दैट द 2 पी ए इज इक्वल टू 3 पी बी, सो वेयर ए इज 0 0 एंड बी इज 4 माइनस 3, सो लोकस ऑफ द पॉइंट इज गिवन टू यू इन दिस वे, सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू. तो लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू निकालनी है. तो सिंपल क्वेश्चन है, तो 2 पी ए, पी के कोऑर्डिनेट अपने एच कोमा के लेट कर लेते हैं, सो 2 पी ए इज इक्वल टू 3 पी बी, ऐसा हो गया. सो व्हाट इज द पी ए, सो वी हैव दिस इज ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, सो 3 पी बी, सो एच माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस के प्लस 3 होल स्क्वेयर, इस फॉर्म में आएगा. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव एस 4 ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर एंड 9, सो दिस इज ए स्क्वेयर माइनस 8 एच प्लस 16 एंड प्लस k square plus 6k plus 9 in this form. तो अब इसे वैल्यू निकालेंगे 5 square plus 5k square, ऐसा आएगा.
ओके, सो वी हैव -72 H एंड +54 K इन दिस वे. सो दिस इज 25, सो 25 दिस इज 225 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज द हियर लोकस, लोकस क्या हो गया आपके पास से 5x² + 5y² एंड -72x + 54y + 225 इस फॉर्म में आ गया. सो व्हाट इज द हियर लैम्डा, लैम्डा वी हैव हियर 54 एंड व्हाट इज द म्यू, म्यू वी हैव हियर 225 म्यू आपके पास है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू आपको बतानी है. यहाँ पे आपके पास में इसको जब सिंप्लीफाई करोगे दिस वी हैव 279. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 279. तो नेक्स्ट देखें, नाइन्थ क्वेश्चन. द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू ए पॉइंट पी, द ओरिजिन शिफ्टेड टू ए पॉइंट पी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो दैट इक्वेशन 2x² + 4xy + 5y² - 4x - 12y + 7 इज इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन व्हिच कंटेन्स नो लीनियर टर्म्स, जिसमें कोई भी लीनियर टर्म्स नहीं है. सो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, तो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने. तो एक्चुअल में अपने सपोज कर लेते हैं लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड एट पॉइंट एच कोमा के, तो यू नो बाय ट्रांसफॉर्मेशन, सो हियर वी हैव क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहता है आपके पास में, कैपिटल एक्स विल बी हियर, कैपिटल एक्स विल बी हियर एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के. तो सिंपली यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू वी हैव एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ऐसा आएगा कैपिटल वाई प्लस के, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है. ठीक है, तो जब इसमें पुट करेंगे तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे देखो 2x + h² एंड 4x + h y + k प्लस 5y + k² माइनस 4x + h -20y + k +7 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या है, द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी लीनियर टर्म, मतलब उसमें x का कोफी, x वाले टर्म नहीं चाहिए, x की पावर 1 वाला नहीं चाहिए, y की पावर 1 वाला नहीं चाहिए. तो सिंपली आपको क्या करना है, लीनियर टर्म से उनको पुट इक्वल टू 0 करना है. तो वो h और k में इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करना है, तो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ h एंड k. तो वो यहाँ से आपको पॉइंट देखना है कैसा है. तो देखो यहाँ से आपके पास में x के कोफिशेंट को आप इक्वल टू 0 पुट करोगे, y के कोफिशेंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको देखो क्या मिलेगा, एक तो 4h मिलेगा, 4h यहाँ से आपको मिलेगा 4k. ओके, तो यहाँ से 4 मिल रहा है, -4 एक इक्वेशन ये मिल गई एंड सोल डिवाइडिंग इट बाय 4 इक्वेशन नंबर 1 आ गई. तो सिमिलरली आपको देखो y के कोफिशियंट उनको भी इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ पे y का कोफिशियंट क्या मिलेगा, 10k मिलेगा, 10k. इधर आपके पास में y का कोफिशियंट क्या आएगा, 4h, और इधर आपके पास में y का कोफिशियंट 22, दैट यू हैव टू पुट इक्वल टू 0. तो ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है आपके पास में, 2 से डिवाइड करोगे सो यू हैव 5k प्लस 2h माइनस 11 इक्वल टू 0. तो इसको अपने 5 से मल्टीप्लाई कर लें, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाई 5. ओके, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, सो 2k प्लस 2h माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव हियर 3k एंड दिस इज -9. सो k इज इक्वल टू, वी हैव k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई. सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस k हियर, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू -2 आ गया, h इज इक्वल टू वी हैव -2. सो द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड हुज कोऑर्डिनेट विल बी, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2, 3, सो दैट द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हैज नो लीनियर टर्म. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 4th. तो हमारे पास में
फोर्थ आंसर आ जाएगा भाई इस पॉइंट पे आपको शिफ्ट करने पर ओरिजिन को, तो जो नई इक्वेशन आएगी उसमें कोई लीनियर टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x माइनस टू रोटेट्स अबाउट ए पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस एंड बिकम्स परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन, वो किस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के परपेंडिकुलर, देन इक्वेशन इज उस, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसमें आपके पास में 2,0 पे इंटरसेक्ट करेगी, क्लियर है। सो दिस लाइन इज रोटेटेड, ये रोटेट करते हैं तो दिस लाइन बिकम्स परपेंडिकुलर टू व्हाट, इसके परपेंडिकुलर हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका इक्वेशन बताना है। सो इट्स इक्वेशन विल बी सिंपली गिवन बाय, सो लाइन परपेंडिकुलर टू इट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,0, सो दैट विल बी बी एक्स माइनस ए वाई, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू डालेंगे 2,0, तो आपके पास में के की वैल्यू मिलेगी, तो प्लस माइनस का के होता है ना, जो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ के, तो देखो आपके पास में 2b, सो माइनस 2b इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट डाउन दिस इज ए वाई माइनस बी एक्स प्लस 2b, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द वर्सेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर माइनस 1, 4, 5, 6, 2, 8 एंड एक्स एक्स स्क्वेयर, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 15/2, सो देन पॉइंट एक्स एक्स स्क्वेयर विल बी, तो पॉइंट एक्स एक्स स्क्वेयर के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में बनेंगे, तो वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल किस फॉर्म में लिखोगे, 1/2 -1, 4 and 5, 6, 2, 9 and x, x square and -1, 4. This is equal to what? 15/2. तो 2 से 2 कैंसिल करेगा, दिस इज मॉडुलस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 + 45 + 2x² + 4x, ऐसा हो गया, इसका -20 and -12 -9x + x², ओके दिस इज मॉडुलस इक्वल टू 15, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो 3x² 3x², सो वी है -5x, सो हियर वी है 32 and 38, तो +7, सो 15, तो आपके पास में दो इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे आपके पास में दो इक्वेशन कौन कौन सी आती है, सो 5x है और +7, दिस इज +-15, तो पहले आप क्या करोगे यहाँ पे, तो इसमें 15 ले ले, पहले 15 लिया तो क्या आ रहा आपके पास में 3x² - 5x, सो दिस विल बी 15, सो -8, सो इसके फैक्टराइजेशन करोगे, सो 3x² - 8x + 3x - 8 इज इक्वल टू 0, सो वी हैव x इज इक्वल टू क्या आ रहा आपके पास में यहाँ पे 8/3 एंड -1 आएगा, तो देखो आपके पास में -1 के साथ में तो यहाँ पे है नहीं कोई पॉइंट, x कोऑर्डिनेट -1, सो y को x इज क्या है 8/3, सो y विल बी हियर 64/9, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फर्स्ट वन, इफ यू टेक हियर द नेगेटिव लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 22 आएगा, तो उसके आपके पास में फैक्टर नहीं आएंगे, सो बिकॉज हुज डी विल बी लेस देन 0, उसका डी क्या लेस देन 0 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखें, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स 2x² - xy - 6y² = 0 एंड द लाइन x + y + 1 = 0, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो सिंपली पहले आप इसके फैक्टर करेंगे और इसके साथ में इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर अपने दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल,
तो सिंपल देखो, आप पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2x² - xy - 6y² = 0। सो वी हैव 2x² - 4xy + 3xy - 6y² = 0। ओके, अब इसमें देखो आपके पास में यहाँ से 2x कॉमन, हियर वी हैव x - 2y, तो इधर से आपके पास में क्या कॉमन आ रहा है, 3y, एंड वी हैव x - 2y = 0। तो यहाँ से आपके पास में 2x + 3y एंड x - 2y = 0। तो डायग्राम हम रफ बनाएंगे, एक्चुअल डायग्राम नहीं होता, उसको समझने के लिए बनाना है। तो देखो आपके पास में ये दो लाइन से सपोज करो, हालांकि इसका स्लोप तो देखो -2/3 है ना, तो ऐसे होनी चाहिए, तो मैंने समझने के लिए बनाया ये डायग्राम। तो ये आपके पास में क्या है, लाइन x + y + 1 = 0। सो दिस इज द वन वर्टेक्स, क्या है, 0 0 है। लाइन परपेंडिकुलर टू इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट विल गिव द वन एल्टीट्यूड, इसका एक एल्टीट्यूड मिल जाएगा आपके पास में ना। सो दिस इज ए बी, इसके परपेंडिकुलर, तो इसका इक्वेशन क्या आ रहा है, x - y = 0। ऐसा हो गया। अब नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इसमें x = 2y डालेंगे, सो वी विल हैव द y = -1/3 एंड x = -2/3। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास से, -2/3 - 1/3। लाइन परपेंडिकुलर टू इट OB एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अब अपने पास में ये दूसरा एल्टीट्यूड आ जाएगा, तो लाइन परपेंडिकुलर टू इट दैट विल बी 3x - 2y + k = 0। इट पासेस थ्रू विच पॉइंट, इस पॉइंट से पास होती है ना, तो इसमें देखो आपके पास में क्या आ रहा है, -6/3 एंड +2/3 + k = 0। सो वी आर गेटिंग हेयर -4/3, सो 3x - 2y और माइनस, सो प्लस का 4/3 आ रहा है, सो के की वैल्यू 4/3। ओके, पुट हेयर x = y, तो देखो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दैट विल गिव द ऑर्थो सेंटर, y = x रख दो यहाँ पे, यहाँ पे, सो यू विल हैव x = -4/3 एंड सिमिलरली y विल बी -4/3। सो व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर, सो ऑर्थो सेंटर आपके पास में क्या आ गया यहाँ पे, सो ऑर्थो सेंटर इज हियर भी है, तो उसका ऑर्थो सेंटर आपके पास में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सो थर्ड ऑप्शन इज द ऑर्थो सेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 13th क्वेश्चन, द टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर 7x - y + 3 = 0 एंड x + 2y - 3 = 0 एंड इट्स थर्ड साइड पासेस थ्रू, थर्ड साइड किस पॉइंट से पास होती है, 1 - 10। सो देन इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड, तो अपने थर्ड साइड का स्लोप क्या लेट कर लेते हैं, एम लेट कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वली इंक्लाइंड विद द व्हाट, दोनों लाइंस के साथ में आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना आपके पास में, बी सी दैट पासेस थ्रू विच पॉइंट, 1 - 10, इसका स्लोप अपने एम लेट कर लेते हैं, सो दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा। ओके, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस साइड बी सी, तो देखो किस तरीके से आएगा आपके पास में, स्लोप ऑफ दिस लाइन भी है 7, तो इसका स्लोप आपके पास में क्या आ गया, 7, एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन भी है
minus 1. So simply you have to apply the formula, tan alpha will be equal to here m minus 7 upon 1 plus 7m. That will be further equal to what? M plus 1 upon 1 minus m. तो यहां से आप मॉडुलस हटाओगे तो यू विल हैव, क्या आएगा आपके पास से मॉडुलस हटाने से, तो प्लस माइनस एम प्लस वन अपॉन वन माइनस एम, इस तरीके से आएगा. एक बार प्लस का साइन ले लें, एक बार माइनस का साइन ले लें, तो देखो आपको क्या है, एक इक्वेशन से एम की वैल्यू क्या है इमेजिनरी मिलेगी वो लेना नहीं है, और एक से क्या आपको दो वैल्यू मिलेंगी. तो आपके पास में बी सी की इक्वेशन क्या दो टाइप से पॉसिबल हो सकती है, तो उन दोनों में से देखो कोई एक यहाँ पे गिवन होगा, तो चेक कर लेते हैं. देखो यहाँ पे प्लस का साइन लिया तो क्या आ गया, एम माइनस सेवन हेयर वन माइनस सेवन, एंड दिस भी है एम प्लस वन एंड वन प्लस सेवन एम, ऐसा आएगा. इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है, देखो आपके पास एम माइनस एम स्क्वेयर एंड माइनस सेवन प्लस सेवन एम, इधर एम प्लस सेवन एम स्क्वेयर प्लस वन प्लस सेवन एम, इस फॉर्म में आ गया. तो देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 7m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में किस फॉर्म में आ रहा है ये, 8m स्क्वायर प्लस 8, इससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. सो ये जीरो के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो इसको, तो देखो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा. सो यहाँ पे इसको देखो 8m माइनस एम स्क्वायर माइनस 7, ऑन राइट हैंड साइड टेक द नेगेटिव साइन, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास में किस फॉर्म में आ गया, माइनस एट एम एंड माइनस सेवन एम स्क्वेयर एंड माइनस वन, ये बनेगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में सिक्स एम स्क्वेयर एंड वी हैव यहाँ पे 16m एंड माइनस 6. अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल हैव 3m स्क्वेयर प्लस 8m एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करेंगे तो आपके पास में 3m स्क्वेयर एंड 9m माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. m की वैल्यू एक तो आ रही है माइनस 3, एक 1/3 आ रही है. तो इससे अपने इक्वेशन निकाल लो, दैट लाइन पासेस थ्रू द बीच पॉइंट 1 माइनस 10. सो देखो किस टाइप से आएगा, सो इक्वेशन विल बी माइनस 3 एंड x माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3x प्लस y प्लस 3 हो जाएगा प्लस 7. ये इक्वेशन देखो, ये आपके पास में इसमें इक्वेशन नहीं गिवन है, तो 1/3 के साथ में ले लो. सो 1/3 के साथ में y प्लस 10 हियर 1/3, सो x माइनस 1, तो इसमें क्या है 3y प्लस 30, दिस वी हैव x माइनस 1, सो x माइनस 3y माइनस 31. So which answer is here? So x minus 3y minus 31. So fourth option is the correct answer. 14th में देखो, a ray of light is sent along the line x minus 2y minus 3 is equal to 0 upon reaching the line 3x minus 2y minus 5 is equal to 0. The ray is reflected from it. So then equation of the reflected ray. तो आपको देखो ऐसा है, ये लाइन है, सो दिस इज लाइन वी हैव 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्लियर है. सो ए रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग दिस लाइन, इसके अलोंग भेजा जाता है ना, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड इस पर कोई एक पॉइंट ले ले, इस पर y इज इक्वल टू 0 रख लो, सो वी हैव 3 0. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, इस पॉइंट पे आके क्या है रे ऑफ लाइट आके टकराती है, सो देन रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. अपने को इसका इक्वेशन निकालना है, तो एक तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इसका क्या आ रहा है आपके पास में, एक्स माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या है, तो माइनस 2x प्लस 2, सो दिस वी हैव x इज इक्वल टू 1, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 हियर, सो वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, दिस पॉइंट भी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट इज a, तो 1 इसमें रखेंगे तो कितना आया माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, या इसमें रख दो एक ही बात है,
तो आपके पास है माइनस टू जेड वाई, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन माइनस वन. अब नाउ फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट थ्री कोमा जीरो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन. तो इमेज निकाल लेते हैं, तो इमेज क्या बनेगा, वो इमेज इधर आ जाएगा, दैट विल लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे. तो इसका इमेज जो होगा, ये पॉइंट जो ऐसे बी है, इसका इमेज विल लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे. तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो देखो इमेज अबाउट, इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट दिस लाइन, सो दैट इज एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री, वाई माइनस जीरो अपॉन माइनस टू. सो माइनस, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालेंगे तो नाइन माइनस फाइव अपॉन वी हैव थर्टीन, इस फॉर्म में आएगा. तो यहाँ से आपके पास में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी हैव, सो फोर माइनस एट अपॉन थर्टीन, एंड एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री. सो दिस भी है हियर, कितना आ रहा है, माइनस ट्वेंटी, दिस इज थर्टी नाइन, तो एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन थर्टीन. एंड फाइंड द वाई सिमिलरली, सो वाई हेयर कितना आएगा आपके पास में, एट, एट अपॉन वी हैव, सो दिस इज जीरो, सो वाई विल बी हेयर वी हैव फोर एट अपॉन थर्टीन, सो वाई विल बी हेयर एट अपॉन थर्टीन. सो आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, फिफ्टीन अपॉन थर्टीन एंड एट अपॉन थर्टीन. सो यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग द दीज टू पॉइंट्स. तो सिंपली इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो देखो क्या बनेगा आपके पास में, तो y प्लस वन, हियर वी हैव एट अपॉन थर्टीन माइनस, प्लस का वन होगा, ओके, अपॉन में, अपॉन में, सो वी हैव फोर एट सिक्सटीन, सो दिस वाई विल बी हेयर सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन थर्टीन. सो यहाँ पे एट बनेगा ना, तो एट सिक्सटीन, तो दिस इज सिक्सटीन अपॉन थर्टीन, ओके. सो वी हैव हेयर, दिस इज सिक्सटीन, यहाँ पे सिक्सटीन आ जाएगा, तो नीचे आपके पास में किस फॉर्म में आया, सो हेयर वी हैव फिफ्टीन अपॉन थर्टीन माइनस वन, सो एक्स माइनस वन. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई प्लस वन, दिस इज ट्वेंटी नाइन अपॉन सो टू, सो एक्स माइनस वन, ओके, सो ट्वेंटी नाइन एक्स माइनस टू वाई, सो हियर वी हैव माइनस ट्वेंटी नाइन, सो दिस विल बी द माइनस थर्टी वन. सो व्हाट इज द आंसर, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, वी हैव दिस इज ट्वेंटी नाइन एक्स माइनस टू वाई माइनस थर्टी वन, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हियर फोर्थ ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट टू थ्री एंड इक्वली इंक्लाइंड विद द, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज टू लाइंस, ओके. सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू दिस पॉइंट एंड इक्वली इंक्लाइंड, या ऐसे हो सकता है तो अपने उस लाइन का स्लोप क्या लेट कर लो, एम लेट कर लो, विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद दिस. तो सिंपल क्वेश्चन है, तो देखो आपके पास में कैसा आएगा, इसका स्लोप कितना है, व्हाट इज इट स्लोप, थ्री बाई फोर, लेट एम बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. तो इसका एम वन कितना आपके पास में, थ्री बाई फोर, एंड एम टू वी हैव ट्वेल्व बाई फाइव, इस तरीके से. सो लेट एम बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, सो वी हैव टू अप्लाई टेन अल्फा, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू एम माइनस थ्री बाई फोर अपॉन में वन प्लस थ्री एम अपॉन फोर इक्वल टू, सो एम माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव वन प्लस ट्वेल्व एम अपॉन फाइव, इस फॉर्म में, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर एम माइनस थ्री, तो फोर प्लस थ्री एम, एंड दिस इज फाइव एम माइनस ट्वेल्व, तो फाइव प्लस ट्वेल्व एम, ओके. अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो अपने पास में किस तरीके से दो इक्वेशन बनेगी, तो वही प्लस माइनस करके आएगा. तो देखो कि तो फाइव फोर एम माइनस थ्री एंड वी हैव ट्वेल्व एम प्लस फाइव प्लस माइनस, सो फाइव एम माइनस ट्वेल्व एंड थ्री एम प्लस फोर, इस फॉर्म में आया.
इसको जब सिंप्लीफाई करोगे पॉजिटिव साइन के साथ में, सो हियर वी हैव 48 एम स्क्वायर एंड दिस इज 20 एंड 36, सो माइनस 16 एम एंड माइनस 15, इस फॉर्म में प्लस के साथ के तो आपके पास है 15 एम स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 36 आएगा तो प्लस तो माइनस का 16 एम एंड माइनस का 48, सो अगेन यू विल गेट हियर, यहाँ से आप पॉजिटिव साइन लेते हो यू विल गेट नो वैल्यूज ऑफ एम, यहाँ पे देखो आपके पास में कितना आएगा 33 एम स्क्वायर आएगा, दिस इज 33, तो यहाँ से आप नेगेटिव साइन लो तो नेगेटिव साइन पे आपके पास में देखो कुछ वैल्यू आएगी, हियर वी हैव 16 एम 15, हियर वी हैव माइनस 15 एम स्क्वायर एंड प्लस 16 एम एंड दिस इज प्लस 48, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 63 एम स्क्वायर एंड वी हैव माइनस 32 एम एंड माइनस 63 एम, इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखो इसके फैक्टर आपके पास में किस फॉर्म में आएंगे, सो 81 एंड सो 49, देखो आपके पास से 81 में से 49 अगर सबट्रैक्ट करते हो यू विल गेट इट्स फैक्टर्स, सो दिस इज 2 एंड वी हैव हियर 73, सो इट्स फैक्टर आर वी हैव, इसके फैक्टर आपके पास में 81 एम प्लस 49 एम माइनस 63 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गए। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से कॉमन क्या है 7 एम, दिस इज 9 एम एंड हियर वी हैव 9m कॉमन, हियर 7m एंड वी हैव 9 हियर, इधर आपके पास में 7 कॉमन आएगा, सो दिस वी हैव 7m m माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ m, सो माइनस 7 अपॉन 9 एंड 9 अपॉन 7, दे आर परपेंडिकुलर, दो लाइंस मिलेंगी उनके स्लोप्स के आपके पास में, देयर प्रोडक्ट इज माइनस 1, तो देखो इक्वेशन तो एक ही लाइन का दिया होगा ना, तो देखो किस तरीके से अब इसमें निकाल लेते हैं इक्वेशन, सो पॉइंट थ्रू विद द लाइन पासस y माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू तो माइनस 7 अपॉन 9 एंड x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9y माइनस 27 एंड माइनस 7x प्लस 14, तो इधर क्या हुआ 7x प्लस 9y एंड वी हैव हियर माइनस का 41, ये इक्वेशन तो नहीं आ रहा इसमें, ओके सो टेक हियर 9/7, तो यहाँ पे 9/7, सो y माइनस 3 9/7 x माइनस 2, तो यहाँ पे 7y माइनस 21 दिस इज 9x माइनस 18, सो वी हैव 9x माइनस 7y, सो हियर वी हैव प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो विस इक्वेशन इज हियर, सो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट पार्ट आपका सेक्शन बी है, दैट इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उसमें, है ना, तो देखो इफ इन ट्राइंगल एबीसी बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 4 एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए टू द साइड बी सी इज 2, सो देन नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स आर, तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, तो देखो आप इसमें थोड़ा सा देखें ध्यान से इसे, सो हियर वी हैव ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके सो वी हैव दिस इज 2, ये आपके पास में सी कितना है 4, दिस इज 3, सो सी वी हैव इक्वल टू व्हाट 4 एंड बी इज इक्वल टू वी हैव 3, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट दिस, ये बी डी अपने निकाल सकते हैं, तो 16 माइनस 4 दैट इज रूट 12, सो दिस इज वी हैव 2 रूट 3 आ रहा है, सो 9 माइनस 4 दैट इज रूट 5, ऐसा आ गया आपके पास में, ओके अब अपने पास में देखो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हेयर वी हैव ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस 2√3 प्लस रूट 5 इंटू हाइट, एक तो ये आ गया आपके पास में इस टाइप से, यू कैन ऑल्सो टेक द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाई टेकिंग द
वन अपॉन टू बी सी साइन ए, वन अपॉन टू तो ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही होगा, दिस बी पुट इक्वल टू किसके इक्वल रखेंगे, वन अपॉन टू बी सी साइन ए, तो ये दोनों एरिया सेम हो गए, तो ये देखो आपके पास में कितना आ रहा है, सिक्स साइन ए, तो सिक्स साइन ए इज इक्वल टू टू रूट थ्री प्लस रूट फाइव, इस फॉर्म में है, तो साइन ए इज इक्वल टू भी है टू रूट थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन सिक्स, ओके। अब थोड़ा सा इसको कंसिडर करें आप, रूट थ्री कितना होता है, 1.73 होता है ना, इनटू में टू करेंगे तो आपके पास में थ्री पॉइंट कुछ आएगा, ये दिस इज 2.23, तो देयर सम इज लेस देन सिक्स, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन वन, ओके। व्हाट डज इट मीन, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ए की पॉसिबल वैल्यूज दो बनेंगी आपके पास में, आपको पता है जब साइन ए लेस देन वन होता है तो या तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर पॉसिबल देयर, टू, दो ट्रायंगल आपके पास में पॉसिबल है, ये एंगल आपका क्या हो सकता है, आपके पास में एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, सो यू विल हैव द टू ट्रायंगल्स देयर, सो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ एक्स साइड्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल टू दैट ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सर्कमस्क्राइबिंग द सेम सर्कल, तो आपके पास में एक तो अंदर की तरफ सर्कल बना है, मतलब एक तो अंदर की तरफ क्या है पॉलीगन बना है, ठीक है, एक बाहर की तरफ है, इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ एक्स साइड्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक तो सर्कल के अंदर बना है, देखो ऐसा है, एक रेगुलर पॉलीगन इधर है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास में, एक्स है, क्लियर है, तो देयर इज अनदर पॉलीगन विच इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल, एक बाहर की तरफ है, ऐसे है ना, इस तरीके से आएगा ये सर्कल का रेडियस तो सेम ही रहेगा, ओके तो मैं इसका रेडियस एल एड कर लेता हूं, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ईस्ट साइड, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर, देयर आर एक्स साइड्स इन बोथ द पॉलीगन्स, जो अंदर की तरफ है उसमें भी कितनी साइड्स हैं आपके पास में, एक्स है, जो बाहर की तरफ है उसमें भी कितनी साइड्स हैं, एक्स है, सो हाउ मच एंगल सबटेंडेड बाय द पॉलीगन विच इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सो ये आपके पास में एंगल कितना रहेगा इसका, आपके पास में दिस इज 2 पाई अपॉन एक्स, कितनी साइड्स है आपके पास में, सो वी हियर वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर, तो आपके पास में एक्स साइड्स है, सो एंगल सबटेंडेड बाय ई साइड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल 2 पाई अपॉन एक्स, रेडियस कितना ए, सो यहां पर आपके पास में ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, जितनी साइड्स होंगी उतने ट्राइंगल बनेंगे, तो यहां पर साइड्स कितनी एक्स है, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपने ए वन कर लेते हैं, तो सिमिलरली आपके पास में जब आप ये इस बाहर वाले को इसका ये जो सर्कमस्क्राइबिंग पॉलीगन है तो उसके भी अपने को देखो दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द एक्स ट्राइंगल्स, वो भी एक्स ट्राइंगल से बनेगा, तो पहले तो अपने देखो ए वन फाइंड आउट कर लेते हैं, व्हाट इज द ए वन, सो एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, जो अंदर बना हुआ पॉलीगन है उसका एरिया कितना है, दैट इज ए वन विल बी इक्वल टू, हियर वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी देयर, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, एक्स, एक्स एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल भी है वन अपॉन टू ए स्क्वेयर साइन टू पाई अपॉन एक्स, ये आपके पास में आ गया। अब आपके पास में सर्कमस्क्राइबिंग जो पॉलीगन होगा, जो बाहर वाला पॉलीगन होगा उसका रेडियस आपके पास में, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी सेम, सेम रहेगा, ये ए है, क्लियर है, सो हाउ मच एंगल सबटेंडेड बाय द ई साइड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल 2 पाई अपॉन एक्स, दिस एंगल विल बी पाई अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, पाई अपॉन एक्स हो जाएगा, थोड़ा समझने के लिए बनाना है भी, इसका हो सकता है ये पाई अपॉन एक्स ही रहेगा, ठीक है ना, अब इसमें देखो आपके पास में रेडियस ए है, दिस इज रेडियस ए, तो ये आपके पास में ये साइड आपको निकालनी है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का बेस निकालना है,
तो ये आपके पास में यहाँ पर जैसे देखो मैं इसको ए बी ये सी ले लेते हैं, ए सी विल बी इक्वल टू हेयर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी हेयर वी हैव ए टेन पाई अपॉन एक्स, ये आपके पास में व्हाट विल बी द ए बी, ए बी विल बी हेयर टू ए टेन पाई अपॉन एक्स, सो व्हाट इज इट्स हाइट, हाइट इज ए, सो हाउ मच सच ट्रायंगल्स, अरे हाउ मेनी ट्रायंगल्स, तो कितने एक्स ट्रायंगल होंगे, तो आपके पास में ए टू कितना आएगा, व्हाट विल द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग पॉलीगन, तो आपके पास में बाहर की तरफ जो पॉलीगन है ठीक है ना उसका एरिया कितना होगा, तो आपके पास में एक ट्रायंगल का एरिया आपके पास में कितना आ रहा है यहाँ पे, सो हेयर वी हैव वन अपॉन टू ए इन टू टेन पाई अपॉन एक्स इन टू इट्स हाइट ए, हाउ मेनी दीज ट्राइंगल्स, एक्स ट्राइंगल्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया एक्स ए स्क्वेयर टेन पाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म में आ रहा है, सो यू आर गिवन द रेशियो ऑफ दिस, इनका रेशियो दे रखा अपने को कितना दे रखा है देखो, दैट इज ए वन अपॉन ए टू वी हैव इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, सो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ऊपर ये आ जाएगा आपके पास से पाई, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वेयर अपॉन टू एक्स साइन टू पाई अपॉन एक्स, ऐसा हो गया, नीचे आपके पास में क्या आ रहा है एक्स ए स्क्वेयर टेन पाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म में आया इक्वल टू व्हाट थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, तो इसको अपने देखो थ्री बाई फोर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टू साइन पाई अपॉन एक्स कॉस पाई अपॉन एक्स, ठीक है ये दो से दो भी कटेगा, इधर आपके पास में साइन पाई अपॉन एक्स नीचे फिर क्या आएगा कॉस पाई अपॉन एक्स ऊपर चला गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो हियर वी हैव कॉस स्क्वायर पाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई एक्स कितना आ रहा है थ्री बाई फोर आ रहा है, तो कॉस पाई अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट रूट थ्री अपॉन टू दैट इज कॉस पाई बाई सिक्स, सो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको सिक्स मिलेगी, सो नंबर ऑफ साइड्स इन ईच पॉलीगन दैट विल बी सिक्स, तो आपके पास में आंसर क्या हुआ इसका सिक्स, तो नेक्स्ट देखें देखो इसमें तो थर्ड क्वेश्चन देखे इफ द एनी ट्राइंगल ए बी सी देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, तो ए बी सी क्या आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ओके तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या है सो रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो देखो इसको आप किस तरीके से लिखोगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे आपके पास में फोर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यू नो द ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए बी इज इक्वल टू टू आर साइन बी टू आर साइन सी ना, तो इसमें देखो फोर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी इस तरीके से फोर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर सी अपॉन में आर स्क्वेयर, सो दिस वी हैव फोर कॉमन सो साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर सी, ये आ गया, इसको वाई पुट कर लेते हैं, सो लेट्स टेक दिस इज वाई, तो साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर सी, इस फॉर्म में आ गया, इसको फिर अपने कोस टू ए के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस विल गिव द थ्री अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, ऐसा आ गया, अब इसमें देखो आपके पास में वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू सो माइनस वन बाई टू, इससे माइनस टू कॉस सी कॉस ए माइनस बी और कॉस टू सी का फॉर्मूला लगाओ टू कॉस के सी माइनस वन, इस फॉर्म में आ गया, अब यहां पे देखो आपको क्वाड्रेटिक बनाना है किसमें कॉस सी में, तो कॉस सी में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू दैट इज टू, ये टू हो जाएगा, यहां से प्लस का कॉस सी एंड कॉस ए माइनस बी, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का कॉस केयर सी, इस फॉर्म में आ गया, अब कॉस केयर सी को इधर ले आएंगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा कॉस केयर सी, ओके माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी, इस फॉर्म में आ गया,
तो इधर आपके पास में फिर क्या आ जाएगा, प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया. अब यू नो द कॉस सी इज रियल, कॉस सी तो रियल है ना, सो इट्स डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस वी हैव कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस का आएगा, माइनस फोर वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो आपके पास में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी एंड दिस इज प्लस एट इज ग्रेटर देन फोर वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर वाई. सो फोर वाई इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस एट, इस फॉर्म में आ रहा है. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास में, वन है. सो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, यहाँ पे नाइन बाई फोर. सो देखो वाई फोर वाई इज लेस देन इक्वल टू नाइन, सो वाई इज लेस देन इक्वल टू नाइन बाई फोर. सो वी हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में इसकी कितनी रही आपके पास में वाई की, तो इसको हमने अज्यूम किया, सो दैट इज नाइन बाई फोर. तो नाइन बाई फोर क्या आएगा आपके पास में, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन आर, मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल टू फोर इंटू नाइन बाई फोर. सो नाइन से नाइन कैंसिल रहेगा, तो आंसर क्या हुआ इसका, सो मैक्सिमम वैल्यू वी हैव दिस इज नाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द वर्सेस ऑफ ए ट्राइंगल आर ए जीरो जीरो बी जीरो टू एंड सी टू जीरो, देन डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर. तो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इज द अंडरूट अल्फा, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर. सो सिंपली आप ट्राइंगल देखो पहले किस से बना हुआ, ट्राइंगल इज क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, हुज वर्सेस आर, ये दे रखे हैं आपके पास में, दिस इज जीरो जीरो एंड बी इज हियर, सॉरी दिस इज सी, ये बी इधर है जीरो टू, सी इज हियर टू जीरो. You know, in right angle triangle, the midpoint of the hypotenuse is the circumcenter and the vertex where the angle is 90 degree, that is orthocenter. तो आपके पास में orthocenter तो यही हो गया, एंड circumcenter है आपके पास में midpoint होगा, जैसे देखो this is 1, 1. So you have to find out the distance between them. So AD is equal to we have, this will be under 2. So यहाँ पे alpha किसके equal आ गया आपके पास में, 2 के equal आ गया. So alpha square we have is equal to 4. So what is the answer? So that is 4. Next question. अब इस क्वेश्चन में देखो, दी इन ट्राइंगल एबीसी ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड वर्सेस वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए क्या दे रखा आपको, देखो ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा आपके पास में, टू टू, एंड व्हाट इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इज टू वन, एंड वर्टेक्स ए इज जीरो टू. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है किसका आपके पास में, वर्टेक्स बी का. तो इसमें आप रफ डायग्राम बना लो एक, है ना, तो रफ डायग्राम बनाते हैं देखो ऐसा समझने के लिए. सो दिस वी हैव ए, ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए इज वी हैव हियर 0, 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर वी हैव हियर दैट इज 2, 2. ओके, सो व्हाट इज द सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड वी हैव, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपके पास में वी हैव हियर 2, 1, इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए. आप क्या है, वी ज्वाइन द सेंट्रोइड विद द वर्टेक्स ए, तो अपने को बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है. ओके, सो यू नो द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1. तो देखो आप, वी ड्रा मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए विच मीट्स द बी सी एट पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट अपने क्या लेट कर लेते हैं, एक्स वाई. सो यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दिस इज 2, दिस इज 1, ऐसा है ना. तो अपने पास में देखो 2x
plus 1 into 0 upon 3, this is equal to 2. So we have here x is equal to 3. तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 3. Now similarly y, y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो 2 into y and we have 1 into 2 upon 3 is equal to 1. So this we have y is equal to 1 upon 2. So coordinates of d vertex we have 3, 1 upon 2. ऐसा आ गया. Now what is the slope of ah? ah का स्लोप कितना है वो देख लेते हैं ना. इसका स्लोप कितना आ रहा है आपके पास में 0. सो यू नो द एल्टीट्यूड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इट साइड अपोजिट साइड के इसके देखो तो इसका स्लोप अपने पास में कितना है 0 है. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ bd? स्लोप ऑफ bd विल बी इन्फिनिटी. इन्फिनिटी रहेगा आपके पास में. तो इसके अपने कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लेते हैं h कॉमा k. तो स्लोप ऑफ bd दैट विल बी इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन h माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 0. 1 अपॉन 0 के इक्वल आ गया. सो वी हैव हियर h माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो h इज इक्वल टू 3. ओके तो वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे h की 3 हो गई. तो ये बेटा आपके पास में इसके डीसीएम के जो जेई मेन का पार्ट था उसका सॉल्यूशन था. अब अपने नेक्स्ट देखते हैं एडवांस लेवल का, उसमें जो आपके 15 क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं ना. अब सेकंड पार्ट है जो आपका एडवांस लेवल का है उसमें देखें. फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ वेरिएबल लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी ऑफ द लाइन 3x plus 4y minus 12 एंड x plus 2y मीटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. सो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास में देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इधर 6x, सो दिस इज x प्लस, तो 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आपके पास में 3x एंड प्लस 4y एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव हियर माइनस x एंड प्लस 2. सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 हियर. वी हैव 4y इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू वी हैव 3 अपॉन 2. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया आपके पास में, 2 एंड 3 बाई 2 इस फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो. द लोकस ऑफ द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द वेरिएबल लाइन l हैज, सो दैट लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट a एंड b. So you have to find out the locus of the foot of the perpendicular drawn from the origin on that line which passes through the point 2, 3 by 2. वो line कहाँ से pass होती है, इस point से pass होती है. तो देखो कैसे उसमें, ये line है that meets the coordinate axis at point A and B. So it passes through which point? 2, 3 by 2. सो लेट्स अज्यूम दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बी एच कॉमा के, ये लेट कर लिया. अब इसका स्लोप, स्लोप ऑफ दिस, सपोज दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम, दिस इज एन, एंड स्लोप ऑफ द ओ एम दैट इज के अपॉन एच इन टू स्लोप ऑफ दिस लाइन के माइनस 3 बाई 2 अपॉन एच माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने, देखो क्या आ रहा है आपके पास में यहाँ पे. सो वी हैव हियर 2 इसमें के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 3 ऐसा आएगा, अपॉन में 2 ये हो जाएगा इज इक्वल टू हियर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h इस फॉर्म में. तो इसमें k इधर आएगा और आपके पास में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो व्हाट वी हैव, सो 2 एस स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, ओके, एंड माइनस 4h एंड माइनस 3k इज इक्वल टू 0. सो लोकस क्या हुआ आपके पास में, व्हाट इज विल द लोकस, लोकस भी है 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में देखें,
सेकंड क्वेश्चन में द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द वेरिएबल लाइन ओ ए बी हैज द इक्वेशन. सो क्वेश्चन वही है दैट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू नो द 2, 3/2 एंड दैट लाइन इज मीटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी. और वो लाइन कहाँ पे मिल रही है? ए और बी पर. अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी. तो इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स में क्या लेट कर लेता हूँ? एच कॉमा के. सो दिस इज जी. ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अपने क्या लेट करें? ए कॉमा जीरो एंड नाउ दिस इज जीरो बी. ऐसे अज्यूम कर लिया एंड दिस लाइन पास थ्रू विच पॉइंट? सो 2, 3/2 2, 3/2 से पास हो रही है. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी दैट विल बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. इट पासेस थ्रू विच पॉइंट? किस पॉइंट से पास होती है? 2, 3/2. सो हियर वी हैव 2 अपॉन ए प्लस 3/2 बी इज इक्वल टू 1. ओके, सो व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी? वी हैव अज्यूम्ड दिस इज इक्वल टू एच कॉमा के. तो आपके पास में क्या आएगा? ए अपॉन 3 इज इक्वल टू वी हैव एच. ए इज इक्वल टू 3h. ओके, एंड नाउ सिमिलरली सो बी बी इज इक्वल टू 3k. ऐसा आएगा. पुट दिस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी हेयर. यहाँ रखोगे तो आपके पास में क्या आ रहा है? 2 अपॉन 3h प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3k इक्वल टू 1. इस फॉर्म में आएगा. सो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. सो यू विल गेट द लोकस हेयर. सो दिस विल बी 4k एंड प्लस 3h. दिस इज 6hk. सो व्हाट इज द लोकस? लोकस वी हैव हियर. सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6xy. सो व्हाट इज द ऑप्शन? सो वी हैव हियर थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको ये मोर देन वन के क्वेश्चन है. सो इट मे हैव द आंसर आइदर वन और मोर देन वन. अब द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज 20 cm². द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन टू यू -5, 0 एंड 3, 0. सो वर्टेक्स सी लाइज ऑन. द वर्टेक्स सी लाइज ऑन दिस लाइन. तो वर्टेक्स सी आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है. तो देखो अपने वर्टेक्स सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लेते हैं? एच. सो व्हाट विल द वाई कोऑर्डिनेट हियर? सो सी विल बी हियर एच. हियर एच माइनस 2. ये सी के कोऑर्डिनेट मिल गए. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर वी हैव -5, 0 एंड 3, 0. सो बोथ आर लाइंग ऑन व्हाट? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं दोनों. देखो ऐसे. सो दिस वी हैव -5, 0 एंड 3, 0. सो सी पॉइंट इज हियर. सी वी हैव हियर एच. एच माइनस 2 इस फॉर्म में आ रहा है. नाउ वी फॉर्म ए ट्राइंगल. सो व्हाट इज इट्स हाइट? हाइट वी हैव एच माइनस 2. एच माइनस 2. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज गिवन टू यू? दैट इज 20. सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वी हैव 1/2. व्हाट इज बेस? बेस वी हैव 8. एंड मॉडुलस ऑफ एच माइनस 2 इज इक्वल टू वी हैव 20. इस फॉर्म में आ रहा है. सो दिस इज 4 एंड मॉडुलस ऑफ एच माइनस 2 दैट इज 5. इस फॉर्म में. सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एच. एच इज गिवन हियर. हियर वी हैव एच माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. सो एच इज इक्वल टू 7 आएगा एक तो, एंड एच इज इक्वल टू यहाँ पे -3 आएगा. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यूज ऑफ एच वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. तो 5 रखोगे तो आपके पास में हियर वी हैव. सो यहाँ पे 7, सॉरी यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आएगी? 7. ओके, तो 7 यहाँ पे रखोगे यू विल गेट द फोर्थ ऑप्शन हियर. एंड -3 पुट करोगे यहाँ पे -3 एंड -5. सो वी हैव हियर -3, -5. सो सेकेंड ऑप्शन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द सेकेंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखो L1 वी हैव दिस लाइन 3x प्लस 4y एंड L2 इज 4x 5x माइनस 12y प्लस 2
is equal to 0 be the two given lines. Let the image of every point, image of every point lying on L1 with respect to a line L lies on L2. So then possible equation of the line L. Actually mein isme dekho aapke paas mein these two lines are non parallel, they will intersect at a one point, ek point pe intersect karengi dono lines aise. So there is any point lying on this line L1, this is L1 is equal to 0, ek point lie kar raha hai isme. Okay, so reflection of this every point lying on this line, this is a line L2, about which line, about this line, इस लाइन के अबाउट क्या है कहां पे, अब इससे परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी इसका रिफ्लेक्शन लाइज ऑन दिस लाइन. सो दिस इज लाइन एल. सो दिस लाइन एल एक्ट एज ए इट्स एंगल बाइसेक्टर. एंगल सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट दी यहां पे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन एल वन एंड एल टू. इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना. सो व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ एल, दैट विल बी 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन 5 प्लस माइनस, so that is 5x minus 12y plus 2 upon 13. So taking positive and negative sign you will get the required answer here. So this is 39x plus 52y minus 13. So taking positive sign, so 25x minus 60y plus 10. Okay, so from here you will get 14x and plus 112y and minus 23. So which option is correct? Here we have the first option is, so if you take the negative sign here, this negative sign minus 25x plus 60y and minus 10, you will have the another form of this line L is equal to 0. So wo kya aayega aapke paas mein, dekhen isme isme ye 39x plus 52y minus 13. Okay, so this we have 64 x and this is minus 8y and this is minus 3. So which option is here correct? Here we have the second option. The next one, the next question mein kya hai, let a 11 and b 33 be the two fixed points b. So then p be a variable. Points are that the area of triangle PAB remains constant equal to L. So for all the position of P, then locus of point P is given by the, you have to find out the locus of point P. So pehle apne assume kar lete hain, let the coordinates of point P be x comma y. So P ke aapke paas mein coordinates iske x comma y ho gaye. So we have the area of triangle PAB. Hamare paas mein triangle PAB ka area kya hai? कॉन्स्टेंट है, दैट इज इक्वल टू वन. और वो किसके बराबर है आपके पास में, एक के बराबर है. तो देखें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी दैट इज वन अपॉन टू वन वन. हेयर वी हैव थ्री थ्री एंड एक्स वाई यहाँ पे इस तरीके से आएगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो हेयर एक्स वाई दिस इज वन वन एंड इक्वल टू वट वन. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने पास में, थ्री प्लस थ्री वाई प्लस एक्स इस फॉर्म में आएगा. सो यहाँ से माइनस थ्री, माइनस थ्री एक्स एंड माइनस वाई, दिस इज मॉडुलस. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में दिस विल बी हियर, सो टू वाई माइनस टू एक्स एंड दिस इज जीरो. हियर वी है मॉडुलस ऑफ दिस इक्वल टू टू. सो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. सो वाई इज इक्वल टू वी है वन प्लस एक्स एंड इफ यू टेक द माइनस साइन, सो लोकस विल बी हेयर x minus 1. So these are the locus of the point P here. So which option is correct here? This third and fourth. So next question. So next question mein dekhen aap. So the lines L1 and L2 denoted by 3x square plus 10xy plus 8y square plus 14x plus 22y plus 15 is equal to 0. Intersect at what point? P. P point pe cut karte hain. And have the gradients m1 and m2 respectively. Then acute angle between the them is theta. Then, to aapke paas mein, you know, this is the general equation of two lines. So we have the lines given by the
these two equations, let's assume its slopes are, we have m1 and m2. It is given to you, the m1 and m2. So what will the sum of the slopes, you know? So minus 2h upon b. So simply you have to apply here formula. So what is h? H we have the here 5. So minus 10 and upon b. So what is b? B is here 8. This is minus 5 upon 4. Okay. So first option is here we note correct. So next one, here we have two product of the roots. Product of roots kya hota hai? A upon b hota hai. So we have here a upon b. So this is 3 upon 8. So this one is correct here. Now angle between the lines, angle between the lines given by this equation is 10 theta. 10 theta will be equal to what? 2 under root s square minus ab upon a plus b. So we have a plus b, we have here 11 here. So this is s square. S square we have here, what is h? 5. And what is ab? This is 25 minus 24. This is 11. So this is 2 by 11. As the angle between the line is acute, so simply you have to find out this sine theta. Sine theta, first make here triangle here 2, this is 11, this is 125. So what is the sine theta? Sine theta will be equal to 2 upon 5 root 5. Okay. So theta we have equal to sine inverse 2 upon 5 root 5. So next you have to, so third option is correct also. So fourth option you have to check the x coordinate, sum of the x coordinate and y coordinate we have equal to kya hai? Minus 1. So yahan pe aapke paas mein sum of abscissa and ordinates of P is minus 1, ठीक है ना, minus 1, ये, अब इसमें sum of abscissa and ordinates of P we have to show that is minus 1, ये show करना अपने को ना, तो देखो यहाँ पे, so you have to find out the coordinates of पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालने हैं, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर लें। सो फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज 10y एंड दिस इज 14। ओके, सो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यहां पे आप क्या करोगे, 3x + 5y + 7। ओके, so this is the sum of the abscissa and ordinate of point P equal to minus 1, ये show करना अपने को, देखो अब इसमें, so 3x plus 5y plus 7 is equal to 0, तो यहाँ पर second, now differentiating with respect to y, partially differentiate करोगे, तो partially differentiate करोगे, this will give the 10x and 16y and plus 22. So dividing it this by 5. So we have here, this is, so 2 dividing by 2. So this is 8y and plus 11 is equal to 0. So yahan pe aap kya karoge, x ke ya y ke coefficient same bana lo, usse value nikal lo. To kya aa raha aapke paas mein, yahan pe isko kis se multiply kar dete hain, 5 se, isko 3 se. So here we have 25y plus 35, so x wala to cancel hi ho jayega, this is 24y plus 33, so we have here, so y plus 2 is equal to 0, y ki value kya aagi, minus 2, so put the value of y minus 2 here, minus 2 rakhenge to yahan pe kya aayega, 10, x is equal to kya aa raha hai, 1 aa raha hai, so x is equal to 1, what is the sum of the abscissa and ordinate of the point P, that is equal to minus 1, so 1 minus 2, that is minus 1. Okay, the next question, fifth question, all the points lying inside the triangle formed by these points satisfy,
विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज किसको सेटिस्फाई करता है। इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या रफली एक डायग्राम बनाए ट्राइंगल का ना, तो बेटा आप इसमें ट्राइंगल का डायग्राम बनाएं यूजिंग द दीज वर्सेस, इन वर्सेस को यूज करते हुए। तो देखो आपके पास में सो पहले 1, 3, तो 3 यहां पे आ जाएगा 1, 3। नाउ माइनस वन वी हैव दिस इज -1, 2, ये पॉइंट हो गया। एंड नाउ देयर इज अ फर्दर 5 एंड 6, ये ऐसा ले लेंगे पॉइंट। तो आपके पास में इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल। ओके नाउ कोरस्पोंडिंग टू ईच इनइक्वालिटी वी टेक ड्राइ लाइन, सो दिस इज 3x + 2y इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज इट्स, सो 3, सो व्हाट इज इट्स स्लोप, इसका स्लोप कितना आपके पास है -3/2। इट पासेस थ्रू व्हाट ओरिजन, ओरिजन से पास हो रही है ना ये लाइन, सो 3x + 2y एंड 0, इसका स्लोप -3/2। तो ये आपके पास में इसका स्लोप -3/2 है। अगर इस लाइन को इसके ओरिजन से ज्वाइन कर दें इस पॉइंट को, तो व्हाट इज इट्स स्लोप, इसका स्लोप आपके पास में क्या आएगा -2 आएगा, एंड इट्स स्लोप इज -3/2। सो -3/2 इज ग्रेटर देन -2, सो दैट लाइन विल बी इन दिस फॉर्म, वो लाइन इस फॉर्म में आएगी, ऐसे इस टाइप से निकलेगी, ठीक है ये वाली लाइन। अब इसमें देखो आपको ये पता है इसमें दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस ट्राइंगल का कोई भी पॉइंट लेंगे इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, इफ यू टेक एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइंग इनसाइड ऑफ दिस ट्राइंगल दैट विल सेटिस्फाई इट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो भी वो सेटिस्फाई करेगा। अगर -1 और 2 को डालते हो तो दैट आल्सो सेटिस्फाई दिस पॉइंट। ओके तो इधर वाले साइड्स क्या, दिस रीजन इज सेटिस्फाइड बाई दिस इनइक्वालिटी, क्लियर है, मतलब दिस साइड ऑफ द एवरी पॉइंट ऑफ दिस साइड विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, एक तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ओके सो सेकेंड ऑप्शन देखें आपके पास में, सेकेंड ऑप्शन क्या है, सो 2x + y + 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या बनेगी आपके पास में, 2x + y + 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस लाइन विल बी हेयर -1/2 + y / -1 इज इक्वल टू 1। तो दिस लाइन इज मेकिंग नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब दोनों के, तो इसका स्लोप कितना है -2 है, दैट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, इसके पैरेलल होगी ऐसे, और वो पास कहां से होगी, दैट विल पास थ्रू द, ये इस टाइप से लाइन बनेगी, इस टाइप से ये वाली लाइन, ये लाइन आपकी कौन सी हो गई यहाँ पे, सो 2x + y + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें ना इधर ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन विल सेटिस्फाई इट, सो ट्राइंगल इज लाइंग ऑन दिस साइड ऑफ दिस लाइन एंड ओरिजिन इज सेटिस्फाइंग दिस लाइन, दिस इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई करता है, सो एवरी पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल लाइंग इन साइड द ट्राइंगल विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो सेकेंड ऑप्शन, इधर का कोई भी पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो 1, 3 करेगा, -1, 2 इसमें रखा कि -1, 2 दैट विल ऑल्सो सेटिस्फाइंग, तो एक तो थर्ड ऑप्शन हो गया। एंड नाउ इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू इट, इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनती है थर्ड ऑप्शन में, x = 11/2। अब ये लाइन ऐसे आ गई x = 11/2। अब अगर आपको देखें इसमें x क्या है, मस्ट बी <|notimestamp|><|nodiarize|> अब कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे सी पॉइंट आपका क्या है 5, 6, तो सी जैसे यहाँ पे रखोगे दैट विल सेटिस्फाई इट, सो यू हैव टू टेक द दिस रीजन, आपको ये वाला रीजन लेना है दैट विल सेटिस्फाई इट। तो अगर ये रीजन लोगे तो एवरी पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल लाइंग इन साइड द ट्राइंगल विल सेटिस्फाई दिस, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके अब इसकी बात करें, यहाँ पर ये आपके पास में लाइन आएगी दैट इज मेकिंग द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट लाइन विल बी इन दिस फॉर्म, हियर वी हैव 9 एंड, तो आपके पास में ये लाइन इस टाइप की आएगी। ओके अब इसमें कुछ पॉइंट्स क्या है, देयर आर सम पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस साइड, तो इधर वाले पॉइंट क्या है इसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर अपने इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएं, देखो इधर -1, -1 ये 2 इधर रखेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव, so some points lying on this side that will not satisfy it and the points lying on this side right side of this that will satisfy it,
तो 5-6 इसको सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब क्या है, एवरी पॉइंट लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल विल नॉट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सो आवर ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी सेटिस्फाई द इक्वेशन 2a² प्लस 4b² प्लस c² इज इक्वल टू 4ab प्लस 2ac. तो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो इसको क्या है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हैं. सो देन यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो देखो अगर अपने इसकी बात करें, इस इक्वेशन की, सो दैट इज 2a² प्लस 4b² प्लस c², वी हैव 4ab प्लस 2ac. तो यहां से आपके पास में देखो a² ओके, सो वी हैव a² प्लस 4b² माइनस 4ab प्लस a² माइनस 2ac प्लस c² इक्वल टू 0. सो हियर वी हैव a माइनस 2b होल स्क्वायर एंड a माइनस c होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स. इफ इट इज इक्वल टू 0 दे विल बी सेपरेटली इक्वल टू 0. वो दोनों सेपरेटली इक्वल टू 0 होंगे. तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस c इज इक्वल टू 0 ओके. तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल गया, सो a अपॉन 2 इज इक्वल टू b. सो वी हैव दिस इज इक्वल टू c. ऐसा ही आएगा ठीक है ना. तो इसमें ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में बना लें. सो a इज इक्वल टू 2b एंड इज इक्वल टू c. सो दिस यू कैन राइट ऑन a अपॉन 2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c अपॉन 2. इस फॉर्म में आ गया अपॉन 2. इसको k के इक्वल रख लेते हैं. सो व्हाट इज a इज इक्वल टू 2k एंड b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 2k. नाउ वी हैव द टू साइड्स इक्वल. सो ट्राइंगल इज आइसोसेलस. सो यू कैन फाइंड आउट द cos b. cos b विल बी इक्वल टू हेयर, cos b विल बी इक्वल टू हेयर. वी हैव द 8k² माइनस k² अपॉन, वी हैव 8k². सो दिस विल बी 7/8. सो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे cos b में, a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac. तो 7/8 दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द cos a. cos a यू कैन राइट ऑन. cos a किसके को लाएगा आपके पास में, यर b² प्लस c², b² प्लस c², दैट इज 5k² माइनस 4k² अपॉन दैट इज 4k² सो दिस इज 1/4. सो cos a इज इक्वल टू, वी हैव cos इनवर्स 1/4 ओके. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. सो वी आर गेटिंग हियर द कोसाइन ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव. वो हमारे को पॉजिटिव मिल रहा है ओके. सो दिस ट्राइंगल इज हेयर अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल मिलेगा आपको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में इफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स ए एंड बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. टेंजेंट ऑफ एंगल्स ए एंड बी सेटिस्फाई, इट मीन्स टेन ए टेन बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो व्हाट इज द टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, वी हैव c² अपॉन ab. एंड व्हाट इज द टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, दैट इज ए बी अपॉन ए बी, दैट इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 आएगा आपके पास में. अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट tan a इज इक्वल टू a अपॉन बी एंड tan b इज इक्वल टू, वी हैव सो बी अपॉन ए, cos c इज इक्वल टू 0, तो sin² a प्लस sin² b. सो यू हैव टू फाइंड आउट, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, सो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी दैट इज इक्वल टू, वी हैव किसके को ला रहा आपके पास में, तो यहाँ से tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, दिस इज इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी है ना 1/0, सो वी हैव यहाँ पे आपके पास से पाई माइनस सी आ जाएगा, तो 10c माइनस 10c, सो दिस इज 10c इज इक्वल टू वी हैव इन्फिनिटी, सो सी इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री. ओके, तो सी हमें पता लग गया दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई टू. सो नाउ यू हैव टू चेक, देखो अब अपने पास में यहाँ पे सी दिस इज क्या 90 डिग्री, सो वी टेक दिस इज ए दिस इज बी, सो नाउ दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी, इन दिस ट्राइंगल वी हैव फाउंड हेयर दिस सी इज 90 डिग्री, सो कभी हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल क्या है सी क्या 90 डिग्री है. अब इसमें आपके पास में व्हाट इज द टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू वी हैव व्हाट, ए अपॉन बी, एंड टेन बी वी हैव, टेन बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ से बी इधर इधर से लेंगे ना तो बी अपॉन ए, एंड ओके सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी आ रहा हमारे पास में. तो यहाँ से अब देखो क्या कंक्लूजन निकला, तो साइन स्क्वायर ये वाला पार्ट हो गया, एक तो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, सो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, तो ये अपने को बताना है कि इक्वल टू टू है क्या. तो देखो अब अपने को ये तो पता है ना इसमें, सो बी इज इक्वल टू व्हाट, बी इज इक्वल टू वी हैव, बी इज इक्वल टू वी हैव 90 माइनस ए. ओके तो इसको देखो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, तो सी वी हैव 90 डिग्री, वी कैन राइट डाउन बी इज इक्वल टू 90 माइनस ए हेयर, तो साइन स्क्वायर ए दिस इज साइन स्क्वायर 90 माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर सी, तो सी यू नो 90 डिग्री, दिस इज वन, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दिस इज वन, वन प्लस वन दैट इज टू, तो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए पी, अब ए इज क्या है लेस देन ऑफ मिनिमम ऑफ बी सी, अब ए क्या है आपके पास में हो सकता है बी इज मिनिमम, ठीक है, और सी इज मिनिमम, सो देन ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए बी सी मे बी कैसा हो सकता है, मे बी किस टाइप से होंगे, दे ए बी सी आर इन ए पी, आर इन ए पी, ठीक है, एंड और क्या हो सकता है, ए सी बी आर इन ए पी, ए सी बी आर इन ए पी, ए सी बी क्या है ए पी में है, इस तरीके से आएगा, ठीक है. अगर ए बी सी देखो फर्स्ट केस में इसमें ऐसे लेते हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी सो देन वी हैव टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, सो व्हाट विल द कोस ए, तो यू हैव टू फाइंड आउट कोस ए, कोस ए बताना है, देखो कोस ए विल बी इक्वल टू वी हैव हियर, सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, सो बी ए की वैल्यू डाले यहाँ पे, देखो ऑल द रिजल्ट आर इन द टर्म्स ऑफ द ए बी सी, यहाँ पे आपके पास में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो व्हाट इज ए, ए वी हैव हियर टू बी माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ठीक है. तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, आपके पास में फोर बी सी आएगा, फोर बी सी माइनस हियर थ्री बी स्क्वायर अपॉन टू बी सी, तो यहां से बी कैंसिल हो रहा आपके पास में, बी कैंसिल हो गया, फोर सी माइनस थ्री बी अपॉन टू सी, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फोर सी माइनस थ्री बी अपॉन टू सी, तो एक तो आपके पास में फोर्थ ऑप्शन बन रहा है. ओके व्हेन ए सी बी आर इन ए पी, ए सी बी अगर ए पी में हो तो आपके पास में ए सी बी आर इन ए पी, ए सी बी अगर ए पी में हो तो उस कंडीशन में फिर आपके पास में कैसा हो जाएगा, सो टू सी इज इक्वल टू हियर वी हैव ए प्लस बी, तो व्हाट इज द कॉस ए, कॉस ए क्या आएगा इसमें इस फॉर्म में, तो कॉस ए किस तरीके से आ जाएगा, दैट विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वेयर अपॉन टू बी सी. सो बी, सो यहाँ पे ए की वैल्यू डालेंगे तो ए क्या आएगा आपके पास में, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस. सो वी हैव ए, ए की वैल्यू कितनी आपके पास में यहाँ पे, सो टू सी माइनस बी होल स्क्वेयर अपॉन टू बी सी. इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हेयर वी विल हैव सो फोर बी सी माइनस थ्री सी स्क्वेयर अपॉन टू बी सी. सो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, सो दैट इज फोर सी फोर बी, फोर बी माइनस थ्री सी अपॉन सी कैंसिल हो रहा है सो टू बी. सो फोर बी माइनस थ्री सी अपॉन टू बी. सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. सो हेयर वी हैव द ऑप्शन आंसर टू दिस क्वेश्चन, वी हैव द फर्स्ट एंड फोर्थ. तो अब इंटीजर टाइप में क्वेश्चंस में देखें, इसमें बेटा आपके पास में ए बी सी लाइज ऑन द लाइन्स. ए किस पे लाई कर रहा है, लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स पे. और बी किस पे लाई कर रहा है, वाई इज इक्वल टू टू एक्स पे. और सी किस पे लाई कर रहा है, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स पे. ऑल्सो ए बी पास थ्रू द फिक्स पॉइंट. ए बी कहाँ से पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट वन कोमा जीरो से. सो देखो ए बी, ए पासेस थ्रू, ए लाइज ऑन दिस लाइन, दिस लाइन एंड बी लाइज ऑन दिस एंड सी लाइज ऑन दिस. ऑल्सो ए बी पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट. ए बी किस पॉइंट से पास हो रहा है, वन कोमा जीरो से पास हो रहा है. बी सी पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट जीरो कोमा माइनस वन. एंड ए सी ऑल्सो पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट एच कोमा के. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच प्लस के. एच प्लस के की वैल्यू निकालनी है इसमें. तो h प्लस के की वैल्यू इसमें जब आप निकालोगे तो देखो किस तरीके से होगा. एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, ऑल दीज थ्री लाइन्स आर पासिंग थ्रू द व्हाट, ओरिजन. ओरिजन से पास होती हैं ऐसे. पहले लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है. सो देन दिस लाइन इज एंड दिस इज, ये लाइन क्या हो गई, x इज इक्वल टू y हो गई. ये y इज इक्वल टू टू एक्स हो गई. ये y इज इक्वल टू क्या हो गई, थ्री एक्स. ओके, अब अपने पास में थे लाइन ए बी. सो पॉइंट ए लाइज ऑन दिस लाइन. अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने क्या लेट कर लो, हेयर बी लेट दिस इज अल्फा अल्फा. ओके, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, वी अज्यूम दैट जी बी पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, दैट इज बीटा टू बीटा, इस फॉर्म में आएगा. एंड पॉइंट सी लाइज ऑन दिस लाइन, सो दैट इज वी हैव गामा थ्री गामा, इस फॉर्म में आ रहा है. अच्छा, लाइन ए बी है दैट पास थ्रू द, अब इसमें देखो पॉइंट, ये लाइन ए बी जो है वो दैट पास थ्रू द बीच पॉइंट, किस पॉइंट से पास होती है, इसको जब ज्वाइन करेंगे वन कोमा जीरो से पास होती है. द स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा आपके पास में, स्लोप ऑफ ए बी दैट विल बी जी हियर अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन. देखो स्लोप ऑफ ए बी, ऑफ ए बी that is alpha upon alpha minus 1 is equal to 2 beta upon beta minus 1. इसको जब अपने सिंप्लीफाई करते हैं, if you simplify this, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे you will get here alpha is equal to 2 beta upon beta plus 1, ऐसे निकलेगा. okay, so what are the coordinates of point A, point A के coordinates क्या हो गए आपके पास में, 2 beta beta plus 1 and 2 beta upon beta plus 1, इस तरीके से आएगा. ओके, नाउ फर्दर इट इज गिवन टू बी सी. बी सी पास थ्रू द फिक्स पॉइंट जीरो माइनस वन से. अब बी के कोऑर्डिनेट पता है, यू विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ बी सी. तो बी सी का जो स्लोप आएगा आपके पास में, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस बी इज बी हैव, सो देखो स्लोप ऑफ बी सी क्या आएगा आपके पास में, बी सी इज इक्वल टू बी हैव टू बीटा प्लस वन अपॉन बीटा. सो दिस इज इक्वल टू फर्दर थ्री गामा, थ्री गामा प्लस वन अपॉन गामा. इफ यू सिंप्लीफाई दिस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो यू विल गेट हेयर, सो गामा इज इक्वल टू, सो ये गामा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बी वन माइनस बीटा. ये आपके पास में इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, सो यू विल गेट हेयर. देखो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टू बीटा गामा एंड
3 beta gamma. So here you will get the 1 beta gamma. Okay, so gamma here beta. So usko simplify karoge to gamma is equal to beta upon 1 minus beta. So what are the coordinates of C? C ke coordinates aapke paas mein kya aa gaye? C ke C dekho AC ka equation nikalna hai. So coordinates of point C we have here. So beta upon 1 minus beta and 3 beta upon 1 minus beta. Ye aa gaya aapke paas mein. Ab AC ka equation likhenge, equation of AC that passes through the which point? A and C. उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो वो किस फॉर्म में आएगा आपके पास में. दिस इज ए इक्वेशन ऑफ एसी. इक्वेशन ऑफ एसी, एसी का इक्वेशन क्या आएगा? वाई माइनस थ्री टू बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस वन एंड डिफरेंस ऑफ दिस वाई टू माइनस वाई वन 2.4. सो थ्री बीटा अपॉन वन माइनस बीटा माइनस टू बीटा अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन में. सो वी हैव वाई टू माइनस वाई वन, हियर वी हैव एक्स टू माइनस एक्स वन, बीटा अपॉन वन माइनस बीटा माइनस एंड टू बीटा अपॉन बीटा प्लस वन. यहाँ पे एक्स माइनस क्या आएगा? टू बीटा अपॉन बीटा प्लस वन. ओके, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, एक्स प्लस वाई माइनस बीटा इस फॉर्म में आएगा आपके पास में 3y माइनस 5x प्लस 4. ओके, ये यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन दिस फॉर्म. दिस लाइन विल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. ठीक है, अब इनका आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? सो दैट विल बी द फिक्स्ड पॉइंट. वो फिक्स्ड पॉइंट होगा आपका. ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख दो? माइनस वाई रख दो. सो माइनस वाई रखा, यू विल हैव एक्स इज इक्वल टू हेयर माइनस वाई. तो माइनस वाई रखोगे तो 8y हो जाएगा, 8y प्लस 4. सो दैट विल गिव दी एक्स की जगह माइनस वाई रखोगे, सो 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो वाई इज इक्वल टू बी है माइनस 1 अपॉन 2. ओके, नाउ व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट वी हैव एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2. सो व्हाट इज द एच? एच इज 1 अपॉन 2 एंड के इज वी हैव माइनस 1 अपॉन 2. सो एच प्लस के विल बी इक्वल टू 0. व्हाट विल द सम ऑफ द एच एंड के? दैट विल बी 0. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 0. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए डी ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी हूज वन डायगनल 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड वन वर्टेक्स 3 1. तो आपके पास में द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी इज दिस वन, ये गिवन है. ओके, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बी प्लस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. अच्छा, वर्टेक्स ए जो है अपने को ये चेक करना है कि क्या डायगोनल इस वर्टेक्स ए से पास हो रहा है क्या. इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स इसमें रख दो तो हमारे पास में 9 माइनस 4, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड. इट्स मीन्स द डायगोनल इज नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए. तो आपके पास में इस तरीके का देखो ये रोम्बस हो गया, ये डायगोनल हो गया आपके पास में. दिस इज ए बी सी डी, इस फॉर्म में आया. अब आपके पास में ए बी और ए डी के सपोज करो एम, दिस इज एन. यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड ए डी इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, सो यू नो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो वर्टेक्स ए वी हैव हियर 3.1, इसके कोड इक्वेशन क्या है आपके पास में? इक्वेशन ऑफ दिस डायगोनल, सो वी हैव 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स 3.1 ऑन दिस डायगोनल.
ये आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये एल के. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,12 ऑन दिस डायगनल. तो एल के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, दिस इज द एक्स माइनस 3 अपॉन 3 एंड वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 4 एंड माइनस, सो पुट द कोऑर्डिनेट्स हियर, माइनस 9 माइनस 4 प्लस 5. ओके, सो दिस इज 10 अपॉन 25. हियर वी हैव दिस इज 25. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल? सो एक्स माइनस 3 अपॉन 3, वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 4. सो दिस वी हैव 14 माइनस 10 माइनस 10 एंड दिस इज 2 अपॉन 5. ओके, सो यहाँ से आपके पास में देखो ये किसके आ जाएंगे, x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू वी हैव माइनस 2 अपॉन 5. तो ये आपके पास में आ गया माइनस 6, माइनस 6 अपॉन 5, उधर इसको ले जाएंगे 15. सो 15 माइनस 6 दैट इज 9 अपॉन 5, 9 अपॉन 5. एंड सिमिलरली हियर वी हैव दिस इज 8, 8 y माइनस 1 8 अपॉन 5, दिस इज y इज इक्वल टू 13 अपॉन 5. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L? L के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में क्या हो गए? तो देखो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू व्हाट, ये लाइन आपके पास में पैरेलल रहेगी किसके, क्योंकि दिस इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस विल बी पैरेलल टू दिस वन. ओके, तो इसके पैरेलल रहेगी. तो अपने को देखो एक्चुअल में ये रेशियो दिस इज 1:1, 1:1. तो ये आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने अपने को, दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:1. इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, सो दिस इज 9/5 एंड 13/5. अब ये मिड पॉइंट हो गया इसका. सो इसके कोऑर्डिनेट अपने सपोज कर लो ये दिस इज पॉइंट आर. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर? सो दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ दिस 15 3 प्लस 9/5 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 13 अपॉन 5 अपॉन 2. सो दिस वी हैव 15 एंड 15 24 अपॉन 10 एंड दिस वी हैव 18 अपॉन 10. ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट आर पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल हो? तो आपके पास में क्या बनता है, देखो 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0. अब ये वैल्यू इसमें डालें, आपके पास में देखो क्या किस फॉर्म में आ रहा है. सो हियर वी हैव दिस इज 0, k इज इक्वल टू 0. तो देखो 72 अपॉन 10, दिस इज 72 अपॉन 10 प्लस k इज इक्वल टू 0. सो वी हैव इक्वेशन ऑफ दिस लाइन mn, mn की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास में, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. सो यू हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू. आपको क्या निकालना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का. सो दैट वी हैव, सो 3 माइनस 4 प्लस सी दैट इज 1. आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में देखो पेयर ऑफ लाइन्स 6x² माइनस अल्फा xy माइनस 3y² माइनस 24x प्लस 3y प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑन x-axis, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो सिंपल देखो आपके पास में ये दोनों लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन इंटरसेक्ट द x-axis एट एनी पॉइंट. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द 20 अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर लो एंड पुट y इज इक्वल टू 0. सो दैट इज 12x माइनस, हियर वी हैव अल्फा y माइनस 24 इक्वल टू 0. सो पुट y इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2. आपके पास में इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, हियर वी हैव 2. सो दिस पॉइंट इज 2,0. नाउ पुट द y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, या इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियली करना है. तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे माइनस अल्फा एक्स माइनस सिक्स वाई
and here we have plus 3 is equal to 0. Put y is equal to 0. यहाँ पे y is equal to 0 रखोगे तो l, what is x, x भी, sorry, what is alpha, alpha we have 3 upon 2. ठीक है, x की value डालेंगे ना, x की value यहाँ पे. So we have alpha is equal to 3 by 2. And now you have to find out the beta. So put y is equal to 0 and x is equal to 2 in the given equation and alpha is equal to 3 by 2. So you will get the answer. तो देखो इसमें, तो यहाँ पे 24 मिल गया आपके पास में 24. And this is my 48 and plus beta. So we have, ऐसे ही आएगा, y is equal to 0 put कर दिया. So what is the beta? Beta we have here 24. Okay? So put the value of here 20 alpha minus beta. So this we have 30 minus 24. So 6. Answer to this question we have 6. Okay? The next question. अब इस क्वेश्चन में देखें क्या है, P3, 1, Q6, 5 एंड RXY आर द थ्री पॉइंट्स सो दैट द एंगल PRQ इज राइट एंगल. एंगल PRQ क्या राइट एंगल है और एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इज 7. सो देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर, आर के ऐसे पॉइंट्स बताने भी कितने पॉइंट्स होंगे. तो एक्चुअल में देखें आपके पास में PRQ इज राइट एंगल. सो आपके पास में ट्रायंगल ये बन गया इसका 3, 1 एंड वी हैव हियर Q 6, 5 इस टाइप का आ गया. सो हियर वी हैव द एंगल PRQ इज 90 डिग्री. ये एंगल क्या आपके पास में 90 डिग्री है. ओके तो आपके पास में जो एक सर्कल बनेगा, इफ यू ड्रा ए सर्कल दैट विल पास थ्रू द ऑल दी दिस थ्री पॉइंट्स. सो इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया देखते हैं कितना बनेगा आपके पास में. द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी व्हाट, बेस इनटू रेडियस इनटू 1/2. वो देखो आपके पास में किसके इक्वल आ रहा है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका मैक्सिमम एरिया निकाल लो. मैक्सिमम एरिया, सो व्हाट इज दिस लेंथ, सो दिस वी हैव 9 एंड दिस इज 5. ओके सो इट्स मैक्सिमम हाइट विल बी द रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके सो दैट इज 5/2. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी हैव 1/2 इनटू सो वी हैव 5 and this is 5/2. So this is 25/4. इस फॉर्म में आ रहा है. ओके सो दिस एरिया इज लेस देन व्हाट, 7. लेस देन 7 है. सो यू कांट ड्रा एनी ट्राइंगल इन साइड दिस, मतलब यू कांट हैव सच ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल आपको मिलेगा ही नहीं. सो दैट द एट पॉइंट आर एंगल इज 90 डिग्री एंड इट्स एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, 7. तो आपके पास में जो ट्राइंगल का एरिया है दैट वी आर गेटिंग हेयर लेस देन सेवन मिल रहा है आपके पास में. 7 तो पॉसिबल ही नहीं होगा. तो मैक्सिमम एरिया मैंने कितना बताया आपके पास में, अगर आपके पास में ये एरिया आपके पास में 7 से ज़्यादा होता तो यू विल हैव द 4 पॉइंट्स देयर. तो 4 पॉइंट्स आपके पास में होते, क्योंकि जैसे ही पॉइंट आर क्या इधर उधर मूव करेगा, सो दिस एंगल विल ऑलवेज भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री रहेगा. तो उस कंडीशन में आपके पास में ट्राइंगल का एरिया कहीं ना कहीं आपको 7 मिलेगा. तो आपके पास से पहले ही क्या है, मैंने मैक्सिमम एरिया निकाला, ठीक है, विद दीज टू वर्सेस एंड एंगल आर, एंगल एट आर इज 90 डिग्री, दैट इज वी आर हैविंग. तो ये आपके पास में इसका डायमीटर कितना है, 5 है. तो इसका रेडियस आपके पास में 5/2 होगा, दिस इज लेस देन व्हाट, 7. सो देयर इज नो एनी पॉइंट आर. So number of points will be here 0. Okay? So next देखें. तो next question क्या है आपके पास में, in a triangle ABC the line joining the circumcenter to the incenter
is parallel to the BC, then cos B plus cos C is equal to, cos B plus cos C किसके equal आ रहा है? तो देखो triangle ABC में है ना, triangle ABC में आपके पास में इन सेंटर सपोज करो I ये है एंड दिस इज द सर्कम सेंटर O. लाइन ज्वाइनिंग द सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर इज पैरेलल टू व्हाट? BC. BC के पैरेलल है. ओके, नाउ यू नो द डिस्टेंस ऑफ द इन सेंटर फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज इक्वल टू द इन रेडियस. इन रेडियस आपके पास में किसके इक्वल होगा? आर के. एंड डिस्टेंस ऑफ ओ विद बी फ्रॉम बी, दैट इज कैपिटल आर. ये कैपिटल आर रहेगा. नाउ दिस इज द सर्कम सेंटर. नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कम सेंटर टू द साइड, दिस इज सर्कम सेंटर. नाउ दिस एंगल यू नो द ए, एक इक्वल आएगा. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर, स्मॉल आर. ओके, ये आपके पास में कैपिटल आर आ गया. यहाँ पे आपके पास में क्या फार्मूला बनता है अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करें अपने? देखो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज पैरेलल टू व्हाट? द साइड बी सी. ओके, सो दिस यू नो द डिस्टेंस ऑफ द इन सेंटर फ्रॉम द एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो इन सेंटर का किसी भी साइड से डिस्टेंस है वो दैट इज इक्वल टू इन रेडियस, स्मॉल आर के इक्वल आएगा. एंड ओ इज द सर्कम सेंटर. तो ओ का डिस्टेंस यू नो द फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस इक्वल टू कैपिटल आर, कैपिटल आर के इक्वल होता है. तो ओ बी इज इक्वल टू, वी हैव हियर कैपिटल आर. एंड व्हाट इज द ओ एम? ओ एम बी हैव हियर स्मॉल आर. कॉस ऑफ दिस, तो कॉस ए, कॉस ए यू नो दिस इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. ओके, सो दिस इज कॉस ए. नाउ यू नो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट. वी नो दैट दी दिस इज इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए यू कैन पुट हियर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. तो कॉस बी प्लस कॉस सी दिस इज इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन कैपिटल आर. तो ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे. तो क्या आ गया? कॉस बी प्लस कॉस सी दिस इज इक्वल टू व्हाट? वन. सो वैल्यू ऑफ दिस वी हैव कॉस बी प्लस कॉस सी दैट इज इक्वल टू वन. तो ये आंसर इसका क्या मिला आपको? वन. तो बेटा ये आपके पास में मेन और एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन था, डीसीएम के पेपर नंबर 12 का. ओके, थैंक यू.